हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। सो गाइस, आज की फ़ोटो मैं ये वाली एडिट करूँगा। फ़ोटो तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो डार्क साइड है फ़ोटो की, ये बिल्कुल फ़ोटो को बकवास कर देती है। तो इसी में आज मैं कुछ इस तरीके की फ़ोटो एडिट करूँगा। मतलब जो डार्क साइड है उसे हम हाइड करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से कि वो डार्क साइड हट जाए एंड ओरिजिनल सी फ़ोटो लगे। एंड कई बार क्या होता है कि जब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो फ़ोटो में लाइटनिंग्स, जैसे हम क्लिक कर देते हैं आधी मतलब लाइट सही आ रही होती है एंड आधे हिस्से में लाइट सही नहीं आती, तो इस वजह से फ़ोटो हमारी जो है वो कुछ इस तरीके की आई थी। एंड एडिट करके मैंने कुछ इसे इस तरीके का कर दिया। तो पूरे स्टेप्स मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर के हम बहुत ज़्यादा पास हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, फ़ोटो की लाइट है जो उसको एडजस्टमेंट करेंगे। तो लाइट रूम एप्लीकेशन है, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। एंड सबसे पहले जो इसकी हाईलाइट्स हैं, इस पर हम काम करेंगे। हाईलाइट ज़्यादा कर रहे हैं तो देख सकते हैं फ़ोटो बकवास ही लग रही है, तो कम करेंगे। मतलब पहले तो हम इसकी लाइट एडजस्टमेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, जो हमारी हाईलाइट्स उसको हम कम करेंगे ताकि जो हाईलाइट्स हैं वो कम हो जाए एंड जो शेडोज़ है इसके, जो डार्क साइड है मतलब, वो उसके मतलब लेवल की हो जाए, दोनों आपस के लेवल की हो जाएँ। और उसके बाद हम पूरी फ़ोटो को एकदम से पूरी एडिट करेंगे। तो सब फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो लाइटनिंग को लेकर है। इसके हमने हाईलाइट्स कुछ कम कर दिए हैं एंड शेडोज़ 72 के करीब कर दिए हैं। एंड बाद में इसके वाइट्स हैं, जो वाइट्स को हम कम करेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल भी इसमें अभी लाइट ऐड नहीं करनी है। लाइट ऐड करनी ही है बट वो हमें डार्क साइड में करनी है। तो इसके ब्लैक्स में है वो डार्क साइड को हम जैसे प्लस कर रहे हैं तो डार्क साइड कम हो रही है। डार्क साइड अब हम कम कर चुके हैं एंड देख सकते हो काफ़ी हद तक मतलब सिमिलर हो चुकी है। अभी वो थोड़ा और काम करेंगे इस पर। अब हमें जो इसके कॉन्ट्रास्ट है उसको अब हम कम कर देंगे, क्योंकि कंट्रास्ट करने से देख सकते हो जो लाइट्स हैं वो ऐड हो रही हैं कहीं ना कहीं, आप देख सकते हो। एंड इसके बाद जो एक्सपोजर है इसका हम बिल्कुल 1% बढ़ाएंगे। एंड उसके बाद ऊपर आपको कर्व का ऑप्शन मिल रहा होगा, कर्व के ऑप्शन पे जाएंगे अभी हम। एंड कर्व को एडजस्ट करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारा फर्स्ट बॉक्स का ऊपर वाला नीचे वाला फर्स्ट बॉक्स है, जो ये वाला, इसको हम एडजस्ट करेंगे। इसे करेंगे सबसे पहले तो हम इसे थोड़ा ऊपर कर देंगे। नीचे कर रहे हैं तो थोड़ा डार्क होता जा रहा है, इसलिए हम ऊपर इसमें अभी लाइट्स ऐड करेंगे। सेकेंड वाला बॉक्स है उसका भी हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। एंड उसके बाद थर्ड वाला जो आता है उसको भी हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई। एंड इसके बाद जो फर्स्ट वाला नीचे से फर्स्ट वाला आप चीज़ देख रहे हो, जो जो डॉट सा बना है, इसको हमें कुछ इस तरीके से रखना है। ऊपर कर रहे हैं तो देखते हो डार्क डार्क सी टोन आ रही है, इसको हम ऐसे ज़्यादा भी नहीं कर देंगे क्योंकि फेक सी लाइट बन जाती है कहीं भी, तो बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे एंड यहाँ से डन कर देंगे। एंड देख सकते हो अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाऊंगा, शॉकिंग रिजल्ट होगा आपके सामने। ये बिफोर एंड ये आफ्टर आपके सामने। इतना सा करने के बाद हमारी लाइट वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो चुकी है। अब हम थोड़े से इसमें थोड़े से कलर ऐड्स करेंगे। उसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जाना है एड शॉट में एंड यहाँ पे हमें ऑटो कर देना है। तो इसका जो वाइट बैलेंस है वो ऑटोमेटिक जो सिलेक्ट कर लेगा, बट इसका टेम्परेचर इसने कुछ ज़्यादा ही माइनस में कर दिया है अपने हिसाब से। हमें थोड़ा इसे प्लस में ही रखना है, प्लस में मतलब कि हमें थोड़ा इसे -6 में कर देंगे एंड टिंट को 7 पे रख देंगे। एंड सेचुरेशंस है जो उसके अभी हमें कम करने हैं एंड इसका वाइब्रेंस बढ़ा देना है। सेचुरेशंस हैं वो अलग चीज़ है, वाइब्रेंस अलग चीज़ है। एंड सेचुरेशंस को कम कर दिया एंड वाइब्रेंस को बढ़ा दिया, तो थोड़ा कलरफुल सी इमेज होगी, थोड़ी सी कलरफुल सी करनी है। एंड उसके बाद मिक्स टूल में जाएंगे। मिक्स टूल में हमें करना क्या, सिंपली सबसे पहले जो रेड वाला ऑप्शन है हमारा, तो ये सिंपली मेरे लिप्स पे काम कर रहा है एंड थोड़ी जो मैंने टी शर्ट वेयर कर रखी है उस पर काम कर रहा है, तो इस पे हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लिया है। एंड जो फेस का, फेस पे आपको करना क्या, सिंपली थोड़ी सी इसकी लुमिनेंस बढ़ानी है, सिर्फ लुमिनेंस। एंड उसके बाद जो आपकी जो हमारी जो हुडी वेयर कर रखी है इसका मुझे थोड़ा कलर चेंज करना है, तो मैंने इसको HUE बिल्कुल कम कर दिया, मतलब बिल्कुल कम करने का मतलब 50% के करीब। एंड नीचे वाला जो ग्रास है उसे मैं अपनी हुडी से मैच करना चाहता हूँ, थोड़ी एडजस्टमेंट सी रहे, थोड़ी मैचिंग सी रहे, इसलिए मैंने उसको थोड़ा उस कलर से मैच कर दिया है HUE कम करके। एंड उसके बाद जो ये सेचुरेशंस, इसकी कम ज़्यादा करने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो थोड़ा मैच ही नहीं हो रही। एंड ब्लू वाले की मैं जो सेचुरेशंस है सॉरी उसको मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा कलर्स ऐड नहीं करने हैं। जो हमारे ब्लू वाला कलर है वो थोड़ा ख़राब सा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा उसे HUE एंड उसके थोड़ा सा थोड़ी सी HUE कम कर रहा हूँ एंड बिल्कुल ही वो कम कर रहा हूँ लुमिनेंस थोड़ा सा। एंड उसके बाद जो ये कलर है ये आप थोड़ा सा आपके सामने मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये मेरे जो मैंने गॉगल्स वेयर कर रखे हैं उसके कोने में जो है वो काम कर रहा है मतलब, तो उसकी मैंने बिल्कुल ही जो सिचुएशन है वो कम कर दी है, क्योंकि जो फेक सा कलर मत बिल्कुल ही ना आए। तो ये छोटी छोटी सी
जो काम है ये करके हम अपनी फ़ोटो को एकदम से यूनिक बना सकते हैं, मतलब एकदम से परफेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ का काम तो हमारा ऑलमोस्ट सारा सारा डन हो चुका है। अब हमें ऊपर से शेयर वाले ऑप्शन में जाके फ़ोटो को सेव कर लेंगे गैलरी में। थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट की है हमने एंड थोड़ी सी लाइट एडजस्टमेंट। अब हम अपनी स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ये एप्लीकेशन भी आपको लाइट रूम की तरह प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सबसे पहले तो हम इसे जो हमारे पिंपल्स हैं इनको हम इरेज करेंगे, बेसिक से काम है जो। तो फटाफट से मैं पिंपल्स इरेज कर लेता हूँ एंड पिंपल्स इरेज हो चुके हैं, अभी हमें डन करते हैं। एंड अभी जो मेन काम रहता है, एक तो हमें फेस स्मूथ चाहिए, थोड़ी सी सिलेक्टिव टूल में जाते हैं सबसे पहले तो। एंड जो हमारे हमें सिलेक्टिव टूल को इस तरीके से रखना है जो हमारे फेस पे ही थोड़ा मतलब ज़्यादा वर्क करे। तो यहाँ पे थोड़ा फेस ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है, फेस पे मतलब रह रही है। तो हल्का सा हमें ब्राइटनेस बढ़ानी है, हल्का सा हमें कंट्रास्ट बढ़ाना है, बिल्कुल हल्का सा। तो 17 पे थोड़ा सही लग रहा है एंड यहाँ पे डन। तो देख सकते हो थोड़ा सा फ़र्क आया, ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम फेस को स्मूथ करेंगे। फेस को स्मूथ करने के लिए सिंपली हम पोर्ट्रेट पे जाएंगे। पोर्ट्रेट पे जाने के बाद आपको नॉन पे कर देना है इसका। इसको नॉन पे करने के बाद आप मैनुअली खुद ही एडजस्टमेंट करेंगे इसकी। स्किन स्मूथनेस को करीब 50% पे रखेंगे, ज़्यादा करेंगे तो फेक सी लगेगी, इसलिए 50% पे सही है। एंड इसके बाद जो आइज़ की क्लैरिटी उसको हल्का सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि आइज़ की क्लैरिटी ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ा ब्राइट सी आइज़ हो जाती है, अच्छी सी लगती है मतलब। एंड यहाँ से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा हमारी फ़ोटो पे। तो अभी एक मैं आपको काम बताने जा रहा हूँ, ये काम बहुत ही प्रोफेशनल से लगेगा फ़ोटो में। लेंस ब्लर पे जाना आपको सिंपली। लेंस ब्लर पे जाने के बाद आपको सिंपली इस तरीके से रखना है, जैसे हम बैकग्राउंड का हल्का हल्का सा ब्लर करेंगे तो इसे कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करके हम रख लेंगे अपनी फ़ोटो के ऊपर। एंड फ़ोटो को रखने के बाद ट्रांजिशन को बढ़ा देंगे एंड जो इसका ब्लर है इसको हम बिल्कुल कम करके 10 से 15 के बीच में रख सकते हो आप, मतलब 10 से 15 में बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्लर होता है एंड वही हमें चाहिए, ज़्यादा ब्लर नहीं चाहिए तो फेक सी फ़ोटो लगेगी। तो बिल्कुल 14 पे सही लग रहा है एंड अभी डन। अभी हम इसे कर देंगे, व्यू एडिट्स में जाएंगे एंड इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ से इसका आइज मोड ऑन कर लेंगे एंड पूरी फ़ोटो को ब्लर कर लेंगे। तो मैं फटाफट से मतलब इस पार्ट को काट देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो एंड यूज़फुल पार्ट्स ही आपको बता रहा हूँ मैं। तो अभी हमारी जो हो चुकी है फ़ोटो, आपके सामने शॉकिंग रिजल्ट है, देख सकते हो शार्पनेस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है पीछे की एंड हमारा ऑब्जेक्ट ज़्यादा शार्प है। हम फोटो को सेव कर लेते हैं। अब हम फिर से अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में आ जाते हैं। तो लाइट रूम एप्लीकेशन में आने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ कलर में फोकस करना है। कलर्स में वाइब्रेंस को बढ़ा देना है एंड वाइब्रेंस को करीब करीब 40 पे रख रहा हूँ एंड 48 पे एंड सेचुरेशन को हल्का सा कम करना है। एंड उसके बाद मिक्स कलर में आ जाते हैं। मिक्स कलर में सिंपली हमें अपनी जो हुडी है इसको ऑरेंज टोन में कर देना है कन्वर्ट एंड उसका एच यू कम कर देंगे एंड लुमिनेंस को बढ़ा देंगे। एंड जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है थोड़ा थोड़ा वो मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसका सेचुरेशन से उसको बिल्कुल कम कर रहा हूँ एंड लुमिनेंस को हल्का सा कम कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जो ब्लू वाला पार्ट है इसको मुझे थोड़ा अलग सा कलर देना है तो इसका एच यू कम कर दिया मैंने एंड आप चाहे तो कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। ये तो बेसिक से स्टेप्स हो गए एंड फेस की थोड़ी लुमिनेंस बढ़ा रहा हूँ एंड रेड कलर की थोड़ी लुमिनेंस। तो ये तो बेसिक से स्टेप हो गए हल्के से। एंड इसके बाद हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ पे ये वाले टूल मिलेगा आपको, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको शेडो, मिड टोन्स, हाईलाइट्स, इसको कैसे ढूंढना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हाई शेडोज़ है हमारे, शेडोज़ का हमें लुमिनेंस फुल कर देना है। एक मिनट कर देता हूँ, हो नहीं रहा। एंड शेडोज़ कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वो लुमिनेंस जहाँ पे बढ़ रही है कम हो रही है वहाँ से वे शेडो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कलर मुझे चाहिए ब्लू, ब्लू सा कलर चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ब्लू चाहिए, इससे हल्की हल्की ब्लू सी टोन आए, बिल्कुल हल्का सा चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। एंड यही सेम स्टेप हम आगे मिड टोन के साथ करेंगे। मिड टोन में भी ऐसे ही करेंगे कि मिड टोन कहाँ पे ज़्यादा मतलब वर्क कर रही है तो लुमिनेंस को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। देख सकते हो मैं मिड टोन्स का जो लुमिनेंस उसको कम किया तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से ब्लैक ब्लैक सी टोन आई है, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड इसमें भी हम हल्का सा ब्लूइश टोन भर देंगे जिससे काफ़ी अच्छा सा मतलब इफेक्ट आएगा। ब्लूइश टोन मैं इसलिए भर रहा हूँ क्योंकि ब्लूइश टोन इसमें अच्छी लगेगी, इसलिए मैं ब्लूइश टोन भर रहा हूँ। बाकी आप और कोई टोन भर के देख लीजिए, अगर आपको कोई और टोन अच्छी लग रही है तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी हाईलाइट्स आ गई हैं अब हमारी, तो हाईलाइट्स में अभी हमें करना क्या, सिंपली इसमें भी कोई टोन भर के देखते हैं कौन सी टोन अच्छी लग रही है वो ऐड करके देखते हैं। तो हल्की सी ब्लूइश टोन इसमें भी अच्छी लग रही है एंड और कोई टोन भर रहा हूँ तो थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसलिए ब्लूइश टोन में ही रख देता हूँ मैं। एंड इसके बाद इसका लुमिनेंस वगैरह आया था वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है।
बिफोर एंड आफ्टर फोटो का जो लेवल है वो एकदम से ही चेंज हो चुका है हल्की हल्की सेटिंग करने के बाद आपके सामने ही है। एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारी पूरी फ़ोटो हो चुकी है एडिट। हल्का सा इसका सेचुरेशन कम कर देता हूँ एंड जो इसका वाइब्रेंस उसको बढ़ा देता हूँ। टेक्सचर क्लैरिटी में कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इसका विनियट है उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, एजिस थोड़े से मतलब डार्क हो जाएंगे एंड एकदम सही हो चुकी है। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं शार्पनेस पे। ये स्टेप ध्यान से देख लेना मतलब। एंड सबसे पहले तो शार्पनेस को बढ़ाता हूँ एंड मास्किंग के ऊपर आपको एक फिंगर से टैप करना है एंड दूसरे फिंगर से मास्किंग बढ़ानी है। तो जो ये वाइट वाइट पार्ट है ये इसका शार्पनेस वाला पार्ट है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसे आप फाइंड कर सकते हो काफ़ी अच्छे से, मतलब जूम करके दिखा दूंगा आपको फ़ोटो, काफ़ी एजेस अच्छे से शार्प से हो जाते हैं। एंड नॉइस रिडक्शन वगैरह ये कंट्रास्ट वगैरह ये हल्का सा बढ़ा के देख लेना आप, तो मतलब इससे काफ़ी अच्छी सी मतलब एक पता चल जाता है, फ़ोटो को जूम करके बढ़ा के देख लेना आपको खुद पता चल जाएगा क्या इसमें डिफरेंस आया है। एंड बाकी ये छोटी मोटी सेटिंग आप अपने हिसाब से करके देख लेना, कंट्रास्ट हल्का सा बढ़ाकर, तो बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको पूरी फ़ोटो दिखाता हूँ जूम करके, क्लैरिटी में कोई इशू नहीं आया है एंड पूरी फ़ोटो एकदम मस्त तरीके से एडिट हो चुकी है। ये देख सकते हो कलर टोन काफ़ी अच्छे तरीके से आए हैं, हमने जो कलर्स ऐड किया लाइट्स ऐड किए बिल्कुल भी फेक नहीं लग रही है, इतने प्रोफेशनल तरीके से ऐड की हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।